और आइए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं, आपने देखा है, आपने उसको नजदीक से जाना है, समझा है। लेकिन आज हम लोगों ने एक फैसला कुछ और भी लिए हैं, और वे फैसले हैं खासतौर पर कि प्रयागराज की कनेक्टिविटी हम लोगों ने तय किया है, हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस वे, ये गंगा एक्सप्रेस वे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदसर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस होगा। इसमें 6,556 हेक्टेयर लैंड इस एक्सप्रेसवे में लगेगा। 4-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस होगा जो एक्सपेंडेबल टू 6-लेन, यानी इसे हम 6 लेन तक बनाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगा और इस पर लगभग 36,000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेस वे के पर लगने की संभावना है। आज हमारी कैबिनेट ने इसका एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि इस पर कार्य होना चाहिए, जिससे प्रयागराज के लिए बेहतर कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के साथ हो सके। इसके साथ ही प्रयागराज को ध्यान में रख करके प्रयागराज भारद्वाज ऋषि का आश्रम और पार्क, इन सब को ध्यान में रख करके कुछ कार्य होने चाहिए थे। पार्क आज मूर्ति, महर्षि भारद्वाज जी की मूर्ति लगने के बाद आपने उस पार्क की भव्यता को अपनी आंखों से देखा होगा, उसके सुंदरीकरण के कार्य को अपनी आंखों से देखा होगा। पहले में अपने बाद काफी परिवर्तन हुआ है। हमारी सरकार ने तय के निर्णय लिया है कि पार्क के सुंदरीकरण की तर्ज पर ही महर्षि भारद्वाज के आश्रम की सुंदरीकरण, महर्षि भारद्वाज जिनके त्रेता के युग, त्रेता युग में भी जिन्होंने प्रयागराज में विश्वविद्यालय की अपनी स्थापना करके यहां के लोगों को देश से कोने कोने से आने वाले जो भी स्नातक थे उनको यहां पर प्रशिक्षित करते थे, दीक्षा देते थे, शिक्षा और दीक्षा दोनों का कार्य उन्होंने यहां से किया था। विमानन शास्त्र के विशेषज्ञ थे और कहा तो यह भी जाता है कि पुष्पक विमान भी महर्षि भारद्वाज की देन थी। उनके आश्रम के सुंदरीकरण के कार्य को भी हमारी सरकार ने लेने का निर्णय किया है। दूसरा, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज से सटा हुआ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसको विकसित करने के लिए वर्तमान में हमारे यहां पर कुछ परियोजनाएं पर्यटन विभाग की चल रही हैं। महर्षि श्रृंगी और माता शांता से जुड़ा हुआ क्षेत्र और निषादराज गुह्यर की वह प्रमुख स्थली श्रृंगवेरपुर के सुंदरीकरण के विकास को ध्यान में रख करके वहां पे निषादराज पहले महर्षि श्रृंगी और माता शांता के आश्रम, उसका सुंदरीकरण, वहां पर अन्य कैसे हम एक ऐसा स्वरूप दे सकें इसके बारे में कार्य योजना, साथ साथ निषादराज का पार्क और उनकी मूर्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ उनके मिलन का साक्षी बन सके, लोगों को उस दृश्य को उसके आम जन के सामने, श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत कर सके, इस दृश्य कैबिनेट ने इसके लिए अपने प्रस्ताव की सहमति दी है। तीसरा, इस देश के अंदर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में और पूरी दुनिया के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी रामायण के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने
वाले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जो प्रयागराज चित्रकूट के बीच पहाड़ी नामक स्थान पर है, वहां पर महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा, रामायण पर एक शोध संस्थान और उस आश्रम के सुंदरीकरण का प्रस्ताव या कैबिनेट ने वहां के लिए पास किया है, जिस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ अन्य मुद्दों पर भी यहां पर अपने विचारों को यहां पर कैबिनेट ने कुछ मुद्दे और पास किए हैं, जिसमें खासतौर पर एक प्रदेश के अंदर यह धर्म की नगरी है, आस्था की नगरी है। हम सब जानते हैं कि धर्म का एक कार्य सेवा भी है। हमारी कैबिनेट ने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पारित किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वन्य ग्रामों में रहते हैं या समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जो हैंड टू माउथ था, जैसे मुसहर जाति से जुड़े हुए लोग, कोल, थारू जनजाति, इन सबको हमने 100% आवास से आच्छादित करने का एक लक्ष्य रखा था। उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे हुए जो लोग थे उनको मुख्यमंत्री आवास योजना उनके लिए अलग से चलाई थी। आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव और पारित किया कि बहुत सारे ऐसे कुष्ठ रोगी हैं जिनकी संख्या अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर दी 3,791 ऐसे कुष्ठ रोगी थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। आज हमारी कैबिनेट ने पास किया कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये 3,791 कुष्ठ रोगियों को भी हम लोग एक एक आवास उपलब्ध कराएंगे, जिससे वह व्यक्ति भी शासन की योजनाओं को प्राप्त कर सके, और यह भी आज हमने पास किया है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास के लिए, आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड के विकास के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जो घोषणा की उसका केंद्र बिंदु बुंदेलखंड बनने जा रहा है। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी आज हम लोगों ने अपनी सहमति दी है और इस सहमति के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। यह लगभग 296 किलोमीटर यह लंबा एक्सप्रेसवे है, जिस पर 8,864 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 3,641 हेक्टेयर लैंड की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी। हमारी लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई वहां प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए हम लोगों ने आज अपनी कैबिनेट ने इसको अपनी सहमति दी है कि आगे की प्रक्रिया इसको तेज किया जाए, जिससे समय पर एक्सप्रेसवे बन सके और बुंदेलखंड को एक बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ सके। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का गोरखपुर लिंक, यह लगभग 91 किलोमीटर का है, यह आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की सीमा से यह लिंक जाएगा। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से यह लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर वर्तमान में हमारा चल रहा है, इस पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। इसके अलावा किसानों से जुड़ी हुई जो मंडी समितियां हैं, किसानों की आय को दोगुना करने और साथ ही साथ कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए हम लोगों ने उसके जनतांत्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है, जिसमें मंडी समिति के सभापति और उस उपसभापति के रूप में जो रजिस्टर्ड किसान होगा वे किसान ही उसमें सभापति और उपसभापति के रूप में चुने जा सके। यह भी निर्णय आज हमारी सरकार ने यहां पर, कैबिनेट ने यहां पर इस निर्णय भी यहां पर लिया है। साथ ही साथ SCPGI लखनऊ, वहां से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, SCPGI की एम्स की समकक्षता है, तो यह पहले से व्यवस्था है कि जो एम्स में जो सुविधाएं वहां के चिकित्सकों को और
गैर चिकित्सकों को मिलता है वही सुविधा ऐसी पीजीआई मिलेगी। कैबिनेट ने उसको अपनी सहमति इस बार भी दी है। इसके अलावा हम लोगों ने दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की है। एक सर्जिकल स्ट्राइक पर एक फिल्म आई है उड़ी। उड़ी को हमने स्टेट जीएसटी एससीएसटी को माफ करने का निर्णय लिया है और राष्ट्रभक्ति पर आधारित वह फिल्म नौजवानों के अंदर, देश के आम नागरिक के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर सके, इस दिश से उसको एससीएसटी से मुक्ति, क्योंकि जीएसटी का दो भाग है, हम केवल स्टेट का ही जीएसटी माफ कर सकते हैं। हमने इस बात को आज यहां पर इस बात का निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक युवा उसको देख सके, अधिक से अधिक सैनिक पूर्व सैनिक उसको देख सके, देश के सौरभ पराक्रम का प्रतीक है, तो एससीएसटी से हमने उसको मुक्त करने का प्रस्ताव भी इसके साथ यहां पर किया है। और साथ साथ कैबिनेट ने एनडीए के पूर्व कन्वीनर, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व रेल मंत्री माननीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी एक प्रस्ताव यह भी पारित किया है। यह प्रस्ताव भी हमारी कैबिनेट ने पास किया है। ये मुख्य रूप से कैबिनेट से जुड़े हुए प्रस्ताव थे। मित्रों, आप सबने जो सकारात्मक सहयोग पूरे कुंभ के आयोजन के दृष्टि से अब तक दिया है, आगे भी इस प्रक्रिया को इसी सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ा सकेंगे। मैं आप सबके इस सकारात्मक सहयोग के लिए आप सबको एक बार आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं आप क्या प्रश्न पूछेंगे, मैं उससे पहले बता दे रहा हूं कि आज भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई है, मैंने सुबह ही कह दिया कि हम उसका अभिनंदन करते हैं और देश के सौहार्द के लिए मुझे लगता है कि यह कदम आवश्यक था। मैं और हमारी पूरी सरकार इस पूरे निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। प्रयागराज हमारी आस्था का प्रतीक है। मैंने अलग से कुछ नहीं किया है। जिसका प्रयागराज हकदार था, प्रयागराज को वह दिया गया है। प्रयागराज पर कृपा नहीं की, प्रयागराज ने हम पर कृपा की है कि हमें यह सौभाग्य दिया है। ये सब चल रही ना परियोजनाएं, ये सब चल रही, कोई रुकी नहीं है। अरे जा रहे हैं अभी, अरे आप ऐसे रुकेंगे। कामना प्रयागराज से एक ही कामना है कि देश सुख और समृद्धि की ओर जिस तेजी के साथ बढ़ा है, ये यशस्वी नेतृत्व इस देश को इसी प्रकार से एक नई गति देकर के इस देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सके, इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोज भी आयोजित किया है। मैं सभी अपने प्रेस के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया दोपहर के भोजन। तो कुंभ नगरी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 36,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, इसी को लेकर यह प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की ओर से अर्जी डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी स्वागत किया योगी आदित्यनाथ ने, यह कहकर कि यह देश के सौहार्द के लिए बहुत जरूरी है।